हेलो बच्चों। तो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि भैया मीटर स्केल क्या होता है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की कैसे निकालेंगे। याद है आप लोगों को, कल मैंने आपको इस तरीके की एक डिवाइस पढ़ाई थी जिसका नाम था वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलीपर का हम यूज़ करते हैं स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। वर्नियर कैलीपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो है 0.1 मिलीमीटर। कैसे हम वर्नियर कैलीपर की लीस्ट काउंट निकालते हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बेटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं वर्नियर कैलीपर के ऊपर और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वर्नियर कैलीपर पर एक प्रॉब्लम बना लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे और आज अपना ये जो टॉपिक है ना एरर का बेटा, ये फिनिश करेंगे। एरर का टॉपिक आज हो जाएगा हमारा फिनिश, फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि भैया मेन स्केल पर है, मेन स्केल पर है 24th डिवीज़न जो कोइंसाइड है वर्नियर स्केल के 25th डिवीज़न के। समझ रहे हो बेटा, मेन स्केल के जो 24 डिवीज़न है वो वर्नियर स्केल के 25 डिवीज़न के कोइंसाइड है, ठीक है। बहुत बढ़िया, मेन स्केल के एक डिवीज़न की जो चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 1 मिलीमीटर। आपको बताना है कि वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की चौड़ाई कितनी होगी और लीस्ट काउंट कितनी होगी। ये है बेटा आप लोगों के पास में प्रॉब्लम, ये है क्वेश्चन आपके पास में। हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है, रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है कि मेन स्केल पर है 24th डिवीज़न और वर्नियर स्केल पर है 25th डिवीज़न। कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है 1 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि भैया होता ये है, वर्नियर कैलीपर के अंदर लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। कैपिटल एम आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या है, एक डिवीज़न की जो चौड़ाई है वो कैपिटल एम कहलाती है और यहाँ पर एक डिवीज़न की जो ब्रेथ है वो कैपिटल वी कहलाती है। अब आप ये देखिए बेटा कि कैपिटल एम ऑलरेडी हमारे पास में है, कितना है कैपिटल एम हमारे पास में 1 माइनस कैपिटल वी। हमें कैपिटल वी चाहिए, किसी तरीके से कैपिटल वी हमें मिल जाए, हम यहाँ पुट करें और लीस्ट काउंट हमारा निकल जाए। अब कैपिटल वी हमें कैसे मिलेगा उसके लिए आपको याद होना चाहिए, एक बहुत बढ़िया सा तरीका हमने आपको बताया था। तरीका था बेटा ए एम इज इक्वल टू बी वी, एक बहुत बढ़िया सा तरीका हमने आपको बताया था और वो था ए इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल बी इंटू कैपिटल वी। अब आप देखिए ए का मतलब होता है कि मेन स्केल पर कितने डिवीज़न हैं। हम कहेंगे भाई मेन स्केल पर है 24 डिवीज़न। समझ रहे हो बेटा, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है 1। बी का मतलब है वर्नियर स्केल पर कितने डिवीज़न है, कितने डिवीज़न है भाई वर्नियर स्केल पर, वर्नियर स्केल पर है 25 डिवीज़न और यह है कैपिटल वी हमारे पास में, ओके। तो जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 0.96 मिलीमीटर। ये हमारी कैपिटल वी की वैल्यू निकल कर आई बेटा 0.96 मिलीमीटर, यानी एक आंसर तो हमारा निकल गया। कैपिटल एम हमारा 1 मिलीमीटर था और कैपिटल वी है हमारा 0.96 मिलीमीटर। अब हमें चाहिए लीस्ट काउंट की वैल्यू। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। कैपिटल एम है 1, कैपिटल वी की वैल्यू है 0.96 और जैसे ही हम माइनस करेंगे आंसर आएगा 0.04 मिलीमीटर। ये हमारी लीस्ट काउंट की वैल्यू निकल कर आएगी बेटा, इतनी होगी हमारी लीस्ट काउंट की वैल्यू
फॉर वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होने वाला है और ये निकल कर आएगी हमारी लीस्ट काउंट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हो बात और कोई ज़्यादा परेशानी आप लोगों को ना हो बेटा। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब वर्नियर कैलिपर का काम हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, वर्नियर कैलिपर का कोई काम हमारा नहीं बचा है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन से पार्ट का नाम क्या है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और इसके ऊपर सफिशेंट प्रॉब्लम भी मैं आपको करा चुका हूँ। अब बारी है स्क्रू गेज की, हम डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज के बारे में बेटा। ठीक है, आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम स्क्रू गेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, देखिए ये है बेटा हमारे पास में स्क्रू गेज, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, स्क्रू गेज आपके सामने बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि स्क्रू गेज का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। भाई जैसे मीटर स्केल का यूज़ करेंगे हम बड़ी लंबाई को मापने के लिए, अगर उससे छोटी लंबाई मापनी है तो हम यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर का, और अगर बहुत ही कम थिकनेस, बहुत ही कम डायमीटर हम लोगों को मेज़र करना है, मान लो कि मुझे अपने हेयर सैंपल का डायमीटर मेज़र करना है, मुझे किसी वायर का डायमीटर मेज़र करना है, मुझे इस मार्कर का डायमीटर मेज़र करना है कितना होगा, मोटाई मापनी है कितनी होगी, तो बहुत पतले वायर की मोटाई को मापने के लिए, डायमीटर को मापने के लिए, उसके साइज को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस डिवाइस का बेटा, और इस डिवाइस का नाम है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हम बोलते हैं इस डिवाइस को। ठीक है, अब देखते हैं कि इस डिवाइस में कौन कौन से पार्ट हमारे काम के हैं, कौन कौन से पार्ट हमारे काम के हैं। ठीक है, देखो जैसे कि आप ये देखो, ये बॉल आप लोगों को यहाँ दिख रही होगी बेटा, हमें इस बॉल का डायमीटर मेज़र करना है, तो हमने इस बॉल को यहाँ पर लगा दिया कुछ इस तरीके से। ये जो आप लोगों को मार्क दिख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल, इसे हम लोग बोलते हैं सर्कुलर स्केल, ये हमारा सर्कुलर स्केल कहलाता है बेटा, सर्कुलर स्केल। ठीक है, और किसी भी स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला है, जितना हमारे काम का है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वैसे तो स्क्रू गेज सही मायने में हमारे सिलेबस का भी टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम या IIT JEE यानी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही प्रॉब्लम आती है, आपके स्कूल एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके ऊपर से। ठीक है, तो जो हमारे नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में या IIT JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम हमारी बनती हैं, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, मैं वही कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लीस्ट काउंट आप जानते हैं, कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी वैल्यू मेज़र करेगी वो हमारी लीस्ट काउंट कहलाएगी। ऑलरेडी जानते हैं आप लोग लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी एनी ऑफ इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटी वैल्यू जो मेज़र करेगा वो हमारी लीस्ट काउंट कहलाएगा। अभी हमने वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकालने का तरीका जाना, अब हम तरीका जानेंगे स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट निकालने का। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, या हम कहेंगे नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, ये हम कहेंगे बेटा। ये हमारा लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न, ये हमारा लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है किसी भी स्क्रू गेज के लिए। मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा कि किसी भी डिवाइस की लीस्ट काउंट जितनी कम होती है वो डिवाइस उतनी ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाती है बच्चों, वो डिवाइस उतनी ज़्यादा एक्यूरेट समझी जाती है जिस डिवाइस की लीस्ट काउंट जितनी कम होती है। तो ये बेटा हमारा स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है।
अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करोगे। पहले आप ये डायग्राम बनाकर लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लीस्ट काउंट निकाली जाएगी। देखो बेटा, जब स्क्रू गेज की किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी और हमें कहा जाएगा कि भाई इसकी लीस्ट काउंट निकाल कर बताओ, दो तरीके से प्रॉब्लम हमारे पास में आएगी। क्वेश्चन नंबर वन, दो तरीके से सवाल हम लोगों से पूछा जाता है। नंबर वन प्रॉब्लम है, सबसे पहला सवाल तो यह है कि पिच हमें डायरेक्ट दे रखी है। पिच होती क्या है? एक बार घुमाने पर जितना वो घूम जाता है उसे हम पिच बोलते हैं। एक बार घुमाने पर, यानी ये जो सरकमफेरेंस आप लोगों को दिख रही है ना, ये सरकमफेरेंस एक बार राउंड कराने पर इतना घूम गया। उसने कहा कि भाई एक बार राउंड कराने पर 1 सेंटीमीटर घूम गया, तो वो जो पिच है वो 1 सेंटीमीटर कहलाएगी। इसके अंदर ये हैंडल होता है, इसे एक बार घुमाने पर ये जितना घूम जाता है उसे हम लोग नाम देते हैं पिच। तो हमें कहा गया कि भाई पिच आप लोगों को दे रखी है ऑलरेडी 1 मिलीमीटर, ये पिच आपको दी गई है ऑलरेडी 1 मिलीमीटर, ठीक है। और पिच के साथ साथ सर्कुलर स्केल डिवीज़न आपको दे रखे हैं 100। सर्कुलर स्केल डिवीज़न भी, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी में आपको दिया गया है कि पिच हमें दे रखी है 1 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल डिवीज़न हम लोगों को दे रखे हैं 100। हमें ये बताना है कि इस डिवाइस की लीस्ट काउंट कितनी होगी। सो वेरी इजी बच्चों, बहुत आसान। लीस्ट काउंट निकालने का जो तरीका है हमारा वो है सिंपल फॉर्मूला है, ये है हमारे पास में पिच और नीचे है हमारे पास में सर्कुलर स्केल डिवीज़न। अब पिच की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 1 और सर्कुलर स्केल डिवीज़न की वैल्यू है हमारे पास में 100। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे आंसर निकल कर आएगा 0.01 मिलीमीटर। ये हमारी इस डिवाइस की लीस्ट काउंट निकल कर आएगी बेटा, ठीक है। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन आपको पहले से पता है। पिच का मतलब क्या है? एक बार घुमाने पर, वन टाइम ऐसे रोटेट कराने पर कितना वो घूम जाएगा उसे हम नाम देंगे पिच। एक बार घुमाने पर कितना आगे बढ़ गया, जैसे आप किसी स्क्रू को घुमाते हैं ना, तो स्क्रू को घुमाने से वो आगे बढ़ जाता है, तो एक बार घुमाने से वो कितना आगे बढ़ गया, उसे हम नाम देंगे पिच। अच्छा, ये जो स्केल बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ इस पूरे स्केल पर चारों तरफ कितने डिवीज़न होते हैं, ये हमारे कहलाएंगे सर्कुलर स्केल डिवीज़न, और लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है आपके सामने। ये बिल्कुल साधारण और बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम है बेटा आपके सामने। अब इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखो बेटा, अब इसी के ऊपर जो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास में आती है वो कैसे आती है, प्रॉब्लम ये बनी, हमने 5 टर्न कराए बेटा, 5 बार घुमाया, पांच बार घुमाने से वो 10 मिलीमीटर आगे बढ़ गया, 10 मिलीमीटर आगे बढ़ गया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 5 टर्न से 10 मिलीमीटर घुमा वो, 5 टर्न से 10 मिलीमीटर घुमा। अगर 5 टर्न से 10 मिलीमीटर घुमा तो एक बार घुमाने से 10 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। ध्यान से बात सुनिए बेटा, 5 बार घुमाने से 10 मिलीमीटर घुमा, 1 बार घुमाने से 2 मिलीमीटर घुमा, 1 बार घुमाने से जितने मिलीमीटर वो घूमेगा उसी को हम नाम देंगे पिच, ये हमारा कहलाएगा पिच। तो पिच हमारी हो चुकी है 2 मिलीमीटर, 5 टर्न कराने से 10 मिलीमीटर आगे बढ़ गया। तो
तो एक बार घुमाने से कितना बढ़ा गए? 2 मिलीमीटर। इसी को हम नाम देने वाले हैं पिच। सर्कुलर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है इस बार हमारे पास में वो है 100। ऑलरेडी गिवन दी गई है कि भाई सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है आपके पास में वो है 50। सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है आपके पास में वो 50 है। आपको लीस्ट काउंट फाइंड आउट करनी है, लीस्ट काउंट कितनी होगी। तो बेटा लीस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास में वो होगा लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल डिवीजन की वैल्यू है हमारे पास में 50। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ही हम लोग इसे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.04 मिलीमीटर। 0.04 मिलीमीटर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट। तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट, एक तो बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन हमारे सामने आया जो फर्स्ट वाला बताया मैंने आपको, एक सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में ये बनेगा। बस मेन काम है आपका पिच निकालने का, और पिच का मतलब ये है एक टर्न में कितना आगे की तरफ जाएगा। 5 टर्न में 10 मिलीमीटर आगे जाता है, तो एक टर्न में 2 मिलीमीटर आगे जाएगा। ये हो गया हमारा पिच। सर्कुलर स्केल डिवीज़न इतनी है, लीस्ट काउंट इतनी है। ऐसे हम स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करेंगे बेटा, ठीक है। तो वर्नियर कैलीपर की ऑलरेडी हम लोग लीस्ट काउंट निकाल चुके हैं, स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट को हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट का जो टॉपिक है वो अब हो गया है हमारा फिनिश। इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक पर जो प्रॉब्लम हम लोगों से पूछी जाती है, वर्ड प्रॉब्लम, IIT JEE के एग्ज़ाम में, एम्स के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में, वो अब हमें डिस्कस करनी है कि किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके सामने बेटा प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब हम करेंगे बेटा प्रॉब्लम डिस्कस जो हमारे एग्ज़ाम में हम लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारे पास में ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया AIEEE 2011, जिस साल हमने AIEEE का एग्ज़ाम दिया था उस साल हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि क्या है प्रॉब्लम। अपूर आपके सामने है यार, अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। एक बार प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेज़र द डायमीटर ऑफ वायर। हम किसी भी वायर के डायमीटर को मेज़र कर रहे हैं बेटा, और वायर के डायमीटर को मेज़र करने में ये रीडिंग्स हमारी निकल कर आई। अब मैं आपको डायमीटर निकालने का तरीका बताता हूँ विद द यूज ऑफ स्क्रू गेज। एक डायरेक्ट सीधा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है डायमीटर इज इक्वल टू MSR। MSR का मतलब होता है बेटा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस, ठीक है। यहाँ आएगा हमारे पास में सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लो बेटा स्क्रू गेज का यूज़ करते हुए, स्क्रू गेज का यूज़ करते हुए ये हमारे पास में डायमीटर निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर लीस्ट काउंट गिवन है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर लीस्ट काउंट आपकी गिवन नहीं है तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीज़न। ये आपका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीज़न। अब आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, चाहे IIT JEE लेवल की प्रॉब्लम आ जाए या नीट लेवल की प्रॉब्लम आ जाए, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है
एक तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को, और एक फॉर्मूले के साथ साथ ये जो रीडिंग्स आप लोगों को दिख रही हैं इनकी वैल्यूज़ आपको सही तरीके से क्वेश्चन से उठाकर यहाँ पुट करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमें चाहिए MSR। MSR का मतलब है मेन स्केल रीडिंग, ये हो गई 0 मिलीमीटर। तो बेटा MSR की वैल्यू हो गई हमारे पास में, MSR हो गया 0+। अब हमें चाहिए CSR। CSR का मतलब है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई 52 डिवीज़न, 52, ये हो गया 52। बात समझ में आ रही है? अब हमें चाहिए पिच। पिच ठीक है, गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू 100 डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल। पिच की वैल्यू हो गई भाई हमारे पास में 1 मिलीमीटर। पिच की वैल्यू हो गई हमारे पास में 1 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल पर है 100 डिवीज़न टोटल। सर्कुलर स्केल पर है 100 डिवीज़न टोटल। सर्कुलर स्केल डिवीज़न हमारे पास में है 100। सो कैपिटल डी इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 100। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? 52 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास में आंसर बनेगा 0.52 मिलीमीटर। 0.52 मिलीमीटर, देखो मिलीमीटर में बना, लेकिन जितने भी ऑप्शन हैं आपके वो सारे के सारे सेंटीमीटर में हैं, है ना सेंटीमीटर में। मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हमने 10 से डिवाइड किया आंसर बन गया हमारे पास में ये 0.052 सेंटीमीटर। 0.052 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर इज सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला आपको? इस क्वेश्चन से दो बातें सीखने को मिली। एक तो फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर आपको स्क्रू गेज का यूज़ करके किसी वायर के डायमीटर को मेज़र करना है तो ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीज़न, ये हमारे पास में डायमीटर निकालने का तरीका है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और है मेरे पास में, उससे कुछ और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा बेटा। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये भी पूछा गया है IIT JEE 2011 में, लेकिन आप IIT JEE को छोड़ दो यार, हमें IIT JEE नीट एम्स बोर्ड मतलब ही नहीं है इन बातों से, हमें मतलब है आपके कॉन्सेप्ट से। हमें आपको सिर्फ फिजिक्स सिखानी है। जब आप फिजिक्स सीख जाएंगे ना बेटा, फिर तो आप किसी भी लेवल की कोई भी प्रॉब्लम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा फोकस इस बात के ऊपर है कि हमें आपको फिजिक्स सिखानी है। आप IIT JEE नीट एम्स ये वो फलाना ढिमका सबको छोड़कर अपने टारगेट पर आप ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम देखिए क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड बॉल इज टू बी डिटरमाइंड इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द डायमीटर ऑफ बॉल इज मेजर्ड विद अ स्क्रू गेज हुज पिच इज, पिच हमें दे दी है बेटा ये। ठीक है, एंड देयर आर 50 डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल, दिस इज CSD। सर्कुलर स्केल डिवीज़न हमें दे रखे हैं 50, दिस इज CSD। क्वेश्चन के अंदर से वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा आप लोगों को। पिच की वैल्यू हो गई है 0.5 मिलीमीटर, और 50 डिवीज़न का मतलब है CSD। द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज, द रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 2.5 mm, दिस इज द वैल्यू ऑफ MSR। ये है हमारी MSR की वैल्यू, मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू 2.5 mm, एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीज़न, एंड दैट ऑन द सर्कुलर स्केल इज 20 डिवीज़न। ये है बेटा हमारी CSR की वैल्यू, CSR की वैल्यू, CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमीटर निकालते हैं भाई कितना होगा। चलिए निकालते हैं डायमीटर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर आंसर तो परसेंटेज एरर डेंसिटी का बताना है, डेंसिटी की परसेंटेज एरर बतानी है मुझे यहाँ पर।
लेकिन मैं सिर्फ निकालूंगा स्क्रू गेज का यूज करके डायमीटर। तो बेटा डायमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो है एम एस आर प्लस सी एस आर इंटू पिच अपॉन सी एस डी। ये हमारे पास में डायमीटर निकालने का तरीका है बेटा, ये है हमारे पास में डायमीटर निकालने का तरीका। अब आप देखो, डायमीटर इज इक्वल टू एम एस आर मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास में 2.5, सर्कुलर स्केल रीडिंग सी एस आर 20, पिच की वैल्यू है हमारे पास में 0.5, ओके, और सी एस डी सर्कुलर स्केल डिवीज़न है हमारे पास में 50। जो सर्कुलर स्केल डिवीज़न है हमारे पास में वो है 50। ये वैल्यू हमारे पास में निकल कर आई बेटा, ये वैल्यू हमारे पास में निकल कर आई, ठीक है। अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.5 प्लस 2.5 प्लस, ठीक है, तो भैया ये बनेगा हमारे पास में इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे 10 अपॉन 50, 20 अपॉन 100, ये बनेगा हमारे पास में 0.2। ये वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में 0.2। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2.7 मिलीमीटर। डायमीटर की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2.7। अब डायमीटर को हम लिख सकते हैं डी प्लस माइनस डेल्टा डी, डी प्लस माइनस डेल्टा डी। डायमीटर आया है 2.7 प्लस माइनस, बेटा डेल्टा डी की जगह हम हमेशा लीस्ट काउंट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। जब हमें इस डायमीटर को एरर के टर्म में लिखना हो ना, तो ये जो डेल्टा डी आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से पिच अपॉन सी एस डी करके जो वैल्यू निकल कर आएगी, यानी जो लीस्ट काउंट निकल कर आएगी, वो हम यहाँ डेल्टा डी की जगह रखेंगे। यानी डेल्टा डी की वैल्यू होगी हमारे पास में पिच यानी 0.5 अपॉन 50। समझ आ रही है बात? यहाँ से वैल्यू बनेगी हमारे पास में 0.01। लो बेटा, ये हमारी डायमीटर की वैल्यू निकल कर आई, ये है हमारी डायमीटर की वैल्यू, ये हमारी डायमीटर की वैल्यू है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम डायमीटर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आई। पहले तो हमने स्क्रू गेज के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके डायमीटर की वैल्यू को निकाल दिया। अब डेल्टा डी कैसे निकलेगा? जो लीस्ट काउंट निकल कर आएगी ना, लीस्ट काउंट, उसी को हम डेल्टा डी का नाम देने वाले हैं। लीस्ट काउंट को ही हम डेल्टा डी का नाम देने वाले हैं। अब निकालते हैं डायमीटर की परसेंटेज एरर। डायमीटर की परसेंटेज एरर कितनी होगी? 0.01 ये पीछे, 2.7 नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जितनी डायमीटर की परसेंटेज एरर होगी, बिल्कुल उतनी ही रेडियस की परसेंटेज एरर होगी। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जितनी डायमीटर की परसेंटेज एरर होगी, बिल्कुल उतनी ही रेडियस की परसेंटेज एरर होगी बेटा आपके पास में। ये डायमीटर की परसेंटेज एरर निकल गई, बिल्कुल इतनी ही रेडियस की होगी। अच्छा, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है मास के अंदर है 2% की एरर। हमें डेंसिटी के अंदर एरर बतानी है कितनी होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं ये। अगर मैं एरर का कंसेप्ट यहाँ लगाऊँ तो डेल्टा डी परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा एम परसेंटेज प्लस आर की पावर 3, या जाएगा 3 इंटू डेल्टा आर परसेंटेज। अब आप देखो, डेल्टा एम परसेंटेज आपको ऑलरेडी गिवन दे रखा है 2%, 3 इंटू, और डेल्टा आर परसेंटेज की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से ये 1/2.7। लो बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा कि क्या वैल्यू आपकी होने वाली है। ये आपका सही आंसर निकल कर आएगा कि डेंसिटी की जो परसेंटेज एरर आपकी होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, और चारों ऑप्शन में से अपना करेक्ट ऑप्शन आप मैच कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई हो कैसे हमने निकाली। पहले डायमीटर निकाला, फिर डायमीटर की परसेंटेज एरर हम लोगों ने निकाली, डायमीटर की परसेंटेज एरर निकाली, उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम,
और यहाँ से करके हमने इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से नोट करिएगा आप लोग। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये, अ स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम। ठीक है, देखो बेसिकली मैं फिर वही बात कहूँगा कि यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान आप लोगों को देना है नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि एरर का कंसेप्ट हम लगा कैसे रहे हैं। तो बेटा ऐसा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास में है हाफ जी टी स्क्वायर, ये है कंडीशन हमारे पास में, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ x के अंदर परसेंटेज एरर कितनी होने वाली है, x के अंदर परसेंटेज एरर कितनी होने वाली है, और गिवन हम लोगों को दिया गया है परसेंटेज एरर, नहीं हमें g के अंदर परसेंटेज एरर निकालनी है, सॉरी स्टूडेंट, हमें g के अंदर परसेंटेज एरर निकालनी है कितनी होगी, इस g में परसेंटेज एरर निकालनी है कितनी होगी, तो g इज इक्वल टू हो जाएगा 2x अपॉन t स्क्वायर, जी की परसेंटेज एरर हो जाएगी डेल्टा जी परसेंट, देखो जी की पावर 1 है, इज इक्वल टू, दो हट जाएगा यहाँ से, डेल्टा एक्स परसेंटेज, ये 2 आ जाएगा सामने और ये बन जाएगा डेल्टा टी परसेंटेज। जो हमने अभी तक आपको पढ़ाया वही कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया। अब देखिए एक्स की परसेंटेज एरर आपको कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है कि डिस्टेंस के अंदर, एक्स का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस के अंदर जो एरर है वो तो है इतनी, और टाइम के अंदर जो एरर है वो है इतनी। डिस्टेंस के अंदर इतनी एरर है, यानी एक्स के अंदर इतनी एरर है और टाइम के अंदर इतनी एरर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा जी परसेंटेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स परसेंटेज ई वन परसेंटेज प्लस और डेल्टा टू यानी ई टू परसेंटेज। सो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ई वन प्लस टू ई टू, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बेटा मैं फिर वही बात कह रहा हूँ भाई, फॉर्मूले पर ज़्यादा ध्यान मत दो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। बस ये समझो फॉर्मूला तुम्हें गिवन दे रखा है, ये फॉर्मूला तुम्हें गिवन दे रखा है, तुम्हें ग्रेविटी में परसेंटेज एरर बतानी है कितनी होगी, एक्स की परसेंटेज एरर है इतनी और टाइम की परसेंटेज एरर है इतनी। अब अगर तुम्हें ग्रेविटी में परसेंटेज एरर बतानी है तो ग्रेविटी को अकेले को एक तरफ लाना पड़ेगा, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तब जाकर हमने सॉल्व किया, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई बेटा। तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा, जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, प्रॉब्लम नंबर 64। आइए देखिए प्रॉब्लम क्या है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय दिस, फॉर्मूला हमें ये दे रखा है, लेंथ हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू हैव 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी ये लेंथ के अंदर एरर है बेटा, ये डेल्टा एल की वैल्यू है, ये एल की वैल्यू है, दिस इज एल और ये है हमारे पास में डेल्टा एल, समझ आ रही है बात। ओके, टाइम पीरियड हम लोगों को दे रखा है 2 सेकंड के आसपास। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच ऑफ लीस्ट काउंट, ये है हमारे पास में डेल्टा टी की वैल्यू। तो परसेंटेज एरर बताना है ग्रेविटी में कितनी होगी। हालांकि ऑलरेडी इस तरीके का सवाल मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है ये, तो मैं हल्का सा आप लोगों को रिव्यू फिर दे रहा हूं इस क्वेश्चन का। देखो ध्यान से, फॉर्मूला है हमारे पास में टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी।
हमें बताना है कि ग्रेविटी में कितनी एरर होगी। तो आप जानते हो जिसके अंदर एरर बतानी है वो अकेला एक तरफ होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ होने चाहिए। तो हमने दोनों तरफ का स्क्वायर किया और ग्रेविटी को इधर लेकर चले गए, तो ये बन गया हमारे पास में 4π² L/T² ये बन गया बेटा हमारे पास में फॉर्मूला। अब आप इसे परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करिए। हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा जी परसेंटेज, 4 कांस्टेंट हट जाएगा, पाई स्क्वायर कांस्टेंट वो भी हट जाएगा, एल बचेगा हमारे पास में डेल्टा एल परसेंटेज, टी स्क्वायर बचेगा हमारे पास में 2 × Δt%। ठीक है, ये कंडीशन हमारी बन गई। अब देखो डेल्टा एल परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा एल परसेंटेज हम निकालेंगे कैसे। डेल्टा एल परसेंटेज निकालने का तरीका होता है डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा डेल्टा एल है आपके पास में 1 मिलीमीटर, ये जो एक्यूरेसी आपको दे रखी है ना 1 मिलीमीटर, ये डेल्टा एल की वैल्यू है। और एल है आपके पास में 100 सेंटीमीटर, डेल्टा एल तो है मिलीमीटर में और एल है आपके पास में सेंटीमीटर में, इनकी यूनिट सेम करो, इसे भी मिलीमीटर में बदल दो, तो हम इसे लिख देंगे 1000 मिलीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये इससे कैंसिल आउट, आंसर बन गया 0.1%। ये लेंथ की परसेंटेज एरर निकल गई आपकी 0.1%। अब निकालते हैं टाइम की परसेंटेज एरर डेल्टा टी परसेंट, कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 100। देखो बेटा ध्यान से कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी कितना है आपके पास में, डेल्टा टी है 0.1, बस यही बात समझने की है, बहुत ध्यान से समझिएगा। टी कितना है आपके पास में, एक ऑसिलेशन में लग रहे हैं 2 सेकंड, एक बार चक्कर लगाने में 2 सेकंड लग रहे हैं। ये जो कैपिटल टी है ना, ये 100 ऑसिलेशन का टाइम है बेटा, ये जो कैपिटल टी है ये 100 ऑसिलेशन का टाइम है। तो एक बार चक्कर लगाने में लग रहे हैं 2 सेकंड, तो 100 चक्कर लगाने में कितने लगेंगे, 200 सेकंड, तो कैपिटल टी की वैल्यू होगी 200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इससे ये कैंसिल आउट, ये आ गया 0.1/2, ये आ गया हमारे पास में 1/20, आ गया 1/20। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.05%। तो डेल्टा टी परसेंटेज है 0.05 और डेल्टा एल है ये, यहाँ उठाकर पुट कर दो, डेल्टा एल हो गया 0.1 और ये हो गया 2 × 0.05, करेक्ट आंसर इज 0.2%। सो ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बेटा, 0.2% हमारा आंसर निकल कर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और कैसे सॉल्व किया आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से, नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ऑलमोस्ट एरर का जो काम है बस वो हम लोगों का फिनिश हो गया है ऑलमोस्ट, कल की क्लास से हमारी डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा और बताना है कल एरर के बारे में, थ्योरेटिकल पोर्शन बताना है कल मुझे एरर के बारे में, और उसके बाद में हमारा डायमेंशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। एरर पर जितना भी बताना आप लोगों को चाहिए था सब मैंने आप लोगों को बता दिया है, कोई पॉइंट हमने मिस नहीं किया, लगभग लगभग हर एक पॉइंट हमने आपके साथ में डिस्कस किया है बेटा। देखिए स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम हमारे पास में है, ये एक प्रॉब्लम हमारे पास में ये है, क्या क्वेश्चन है जरा समझते हैं हम लोग। ए स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ग्रेविटी एंड ही कमिट्स एन एरर ऑफ डेल्टा एल फॉर दैट ही टेक्स अ टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन विद अ स्टॉपवॉच ऑफ लीस्ट काउंट डेल्टा टी एंड ही कमिट्स अ ह्यूमन एरर ऑफ 0.1 सेकेंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा द मेजरमेंट ऑफ जी विल बी मोस्ट एक्यूरेट। यानी ये जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, देखिए ध्यान से, जो एक्सपेरिमेंट जितनी ज़्यादा बार कराया जाएगा ठीक है उसका डेटा उतना एक्यूरेट समझा जाएगा। जैसे
ये 10 बार कराया, ये 20 बार, ये 20 बार, ये 50 बार, तो ये जो लास्ट वाला है ये हमने 50 बार कराया, 50 times कराया, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाएगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने ज़्यादा होंगे वो एक्सपेरिमेंट आपका मोस्ट एक्यूरेट समझा जाएगा बेटा, मोस्ट एक्यूरेट समझा जाएगा। तो इस कंडीशन में 50 ऑब्जर्वेशन हैं आपके पास में, तो ये आपका समझा जाएगा मोस्ट एक्यूरेट। सो करेक्ट आंसर इज 4th, यहां आपका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, एरर काफी हम लोगों ने पढ़ लिया है। कल 10-15 मिनट एरर की थ्योरेटिकल बात करने के बाद एरर हमारा हो जाएगा फिनिश। उसके बाद हम आपको एरर के देंगे असाइनमेंट्स एरर के क्वेश्चंस करने के लिए, फिर इसमें जो डाउट्स आएंगे वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोगों का होमवर्क यही है कि जितना मैंने आज कराया है इसे अच्छे तरीके से करके देखिएगा। स्पेशली जो मैंने आपको डायमीटर निकालने का तरीका बताया है विद द यूज ऑफ स्क्रू गेज, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके बेटा, उसे करके देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ में आप डिस्कस करिए।